उत्तर प्रदेश प्रयागराज। इंटास फाउंडेशन अपना घर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न, कैंसर मरीजों और देखभाल कर्ताओं ने मनाया स्वतंत्रता का उत्सव। इंटास फाउंडेशन अपना घर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया गया। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट शिवांजलि त्रिपाठी की देखरेख में यहां रहने वाले कैंसर मरीजों और उनके देखभाल कर्ताओं ने झंडा वंदन किया और मिठाइयां बांटकर अपनी स्वतंत्रता और खुशी का जश्न मनाया। इस खास मौके पर शिवांजलि त्रिपाठी ने संदेश दिया कि स्वतंत्रता सभी का अधिकार है और यह सुनिश्चित किया कि यहाँ के मरीज और उनके परिवार स्वयं को समाज से अलग न महसूस करें, बल्कि अपने अधिकारों को समझें और गर्व से मनाएं। इसके बाद मरीजों और देखभाल कर्ताओं ने नृत्य और मस्ती करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया, जिससे माहौल में खुशी और उत्साह भर गया। नमस्कार, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मेरा नाम शिवांजलि त्रिपाठी है और मैं अपना घर इंटास फाउंडेशन में काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूं। हमारे अपना घर इंटास फाउंडेशन में आज हम सभी ने मिलकर के स्वतंत्रता दिवस को बहुत खुशी के साथ मनाया है। हमारे कैंसर योद्धा हैं जो, और उनके देखभाल करने वाले लोगों के बीच में बहुत खुशी का माहौल है और हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी इस खुशी को मिलकर और ख़ास बना सकें। अपना घर इंटास फाउंडेशन कैंसर रोगियों के लिए कार्य करता है। ऐसे कैंसर रोगी जो कि समाज से निष्कासित हैं कहीं ना कहीं कुछ मिथ्या और कुरीतियों की वजह से, और वो एक जो उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो उनके इलाज में उनकी ज़रूरतें हैं, उनका हक है, उससे वो कहीं ना कहीं वंचित रह गए हैं। तो इंटास फाउंडेशन उस ओर काम करता है, उस दिशा में कार्य करता है कि हम ऐसे कैंसर रोगियों के लिए कुछ उनकी ज़रूरत में उनकी सहायता कर सकें। हमारे यहाँ जो भी कैंसर रोगी अपना इलाज करा रहे हैं अस्पताल में, वो यहाँ आकर के अपने किसी एक केयर टेकर, मतलब कि जो उनका देखभाल करने वाले लोग हैं, उनका उनके जो परिवार के या मित्र या सहयोगी जो भी हो सकते हैं, वो उनके साथ आकर के यहाँ पर बहुत आराम से एक साफ़ सुथरी जगह में रह सकते हैं। हमने कई बार ऐसा देखा है जब हम हॉस्पिटल्स जाते हैं तो वहाँ पर लोग टीन शेड के नीचे हैं या रोड के किनारे अपना किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें रोगी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और मानसिक स्वास्थ्य पर भी एक बुरा असर पड़ता है, क्योंकि समाज में ये बहुत बड़ी एक मिथ्या है कि यदि किसी को कैंसर हो गया है तो उसका बचवाना बहुत मुश्किल है। इस कारण से जो रोगी है उसको अंदर ही अंदर बहुत नकारात्मक विचार आने लगते हैं, जिससे उसका स्वास्थ्य और बिगड़ने की संभावना रहती है। तो इस दिशा में कार्य करते हुए इंटास फाउंडेशन ने अपना घर प्रोजेक्ट के नाम से एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, जिसमें कैंसर रोगी हमारे यहाँ आकर के रहते हैं। एसी रूम्स अवेलेबल हैं और 24 घंटा बिजली रहती है, पानी रहता है और आपको वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध है। इसका आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। आप जब भी आते हैं अपने एक आधार कार्ड के साथ सिंपल एक अपनी सिक्योरिटी के लिए एक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके हमारे यहाँ पर रह सकते हैं। हमारे यहाँ अपना घर इंटास फाउंडेशन में सभी तरह के लोग आते हैं। यहाँ पर कोई भी जाति धर्म भेदभाव नहीं होता है, ना ही छोटे बड़े का कोई अमीर गरीब का भेदभाव है। हम सभी साथ में रहते हैं, सभी साथ में एक कम्युनिटी किचन का रूल फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है कि हम सभी साथ में मिलकर के खाना बनाते हैं एक ही किचन में, जिससे कि सब में आपस में एक सौहार्द और सहायता की भावना विकसित होती है, जो कि ऐसे जब बीमारी से रोगी लड़ रहा है तो उसके लिए बहुत आवश्यक है। और इस तरह से उसका मन भी थोड़ा बीमारी से हटा रहता है और वो अपने अच्छे के लिए और सोचना शुरू करता है। तो हम एक कम्युनिटी किचन का रूल फॉलो करते हैं। ग्रॉसरी सारी चीज़ें जो भी हैं वो इंटास फाउंडेशन की ओर से प्रोवाइड की जाती हैं। खाने का सामान सब कुछ इंटास फाउंडेशन की ओर से रहता है। हरी सब्जियाँ, फल, दूध और जितना भी अनाज है, हमारी तरफ से सारी सुविधा रहती हैं। और इसके साथ साथ ना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं उनके मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देती हूँ कि कहीं उनका इस बीमारी से लड़ते हुए इस जंग में, इस यात्रा में उनका मनोबल ना टूटने पाए।
वो अपनी हिम्मत बना करके रखें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक काउंसलिंग होती रहे, जो कि मैं उनका डे टू डे लाइफ में जो भी उनका दिनचर्या है उसको देखते हुए उनकी एक काउंसलिंग भी करती हूँ, और आवश्यकता पड़ने पर हम उन्हें थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि CBT थेरेपी हो गई, REBT हो गई, ऐसे जो भी आवश्यकता अनुसार हम उन्हें थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ में मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ उनको ऑर्गेनाइज कराती हूँ जिसमें वो इंगेज रहें, उनके उनका ताकि मूड रिलैक्स रहे उनका, और जो भी मन है वो अच्छा रहे, शांत रहे, उनके मन को सुकून मिले। कभी योगा, कभी फ़न थेरेपी, कोई भी फ़न एक्टिविटी हम करा लेते हैं। ऐसे करके हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ जब हम साथ में बैठते हैं तो रोगियों का आपस में मनोबल बढ़ता है, वो एक दूसरे से अपना दुख सुख भी बांटते हैं और साथ ही साथ कुछ थोड़ा सा अपना इंजॉय भी करते हैं। तो इस तरह से हम इंटास फाउंडेशन में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ऐसे कैंसर रोगी और उनके जो देखभाल करने वाले हैं उनके घर परिवार वालों के चेहरे पर एक मुस्कान देख सकें। और मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगी कि आपको यदि कोई भी ऐसे कैंसर रोगी दिखें या मिलें जहाँ पर भी, तो आप कृपया करके उनकी सहायता करें। उनके इस यात्रा को हमें उन्हें सिर्फ एक कैंसर रोगी के रूप में नहीं जानने देना है, वो एक कैंसर फाइटर हैं, वो लड़ सकते हैं। हमें उनकी जो भी मन की जो ताकत है, हमें उन्हें सहायता करनी है ताकि उनकी वो हिम्मत बनी रहे और वो इस बीमारी से लड़ करके अपना पुराना जीवन, अपना सुखी जीवन पा सकें, क्योंकि सुखी रहना, खुश रहना हर एक मनुष्य का हक है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी सहयोग करें और हमारे इंटास फाउंडेशन के अपना घर के उद्देश्य को सफल बनाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।